नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्लोबल वॉरियर। खबर बॉलीवुड से जुड़ी। जी हाँ, इन दिनों टीवी और संसद के गलियारों तक यानी बॉलीवुड से संसद तक एक ही चर्चा है, वो है द कश्मीर फाइल्स की। देश नहीं विदेशों में भी द कश्मीर फाइल मूवी पर चर्चा हो रही है। सब लोग अपने विचार रख रहे हैं, कोई पक्ष में तो कोई विपक्ष में, कोई इसे बीजेपी की साजिश बता रहा है तो कुछ कुछ और, लेकिन वास्तविकता पर आधारित ये मूवी बताई जा रही है। विवेक अग्निहोत्री की मूवी है, जिसको लेकर बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता आमिर खान ने भी अपना रिएक्शन दिया है। आमिर ने कहा, यह मूवी सबको देखना चाहिए, इससे हमारे दिल को वो पता चलता है जो कश्मीर हुआ, एक दर्दनाक कहानी के बारे में। कश्मीर ने पूरे देशवासियों से निवेदन किया कि आप जरूर देखिए, वो भी इस मूवी को देखेंगे। देखिए क्या कहा आमिर खान ने। यार बताना चाहिए ये मूवी कैसी है। नहीं, जरूर देखूंगा मैं, क्योंकि वो एक हिस्ट्री का ऐसा हिस्सा है जो हम सबको बहुत, हमारा दिल दुखता है उससे। तो कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो यकीनन बहुत ही दुख की बात है, और ऐसी एक फिल्म जो बनी है उस टॉपिक पे, वो यकीनन हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए और हर हिंदुस्तानी को वो याद करना चाहिए कि एक इंसान पे जब उस पर अत्याचार हो तो क्या बीतती है। तो ये जो फिल्म बनी है, दिस इज टच द इमोशंस ऑफ ऑल पीपल हु बिलीव इन ह्यूमैनिटी, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज वंडरफुल। सो आई विल डेफिनेटली वॉच द फिल्म, एंड आई एम सो हैप्पी दैट द फिल्म इज सक्सेसफुल, एंड आई फील दैट दिस इज अ टाइम इन इंडिया विच वॉज सैड, विच आई थिंक दैट पीपल शुड लुक एट केयरफुली एंड रिमेम्बर।